मैं यहां देखने आया हूं कि कैसे हमारी लैंग्वेज के सामने हिंदी लैंग्वेज की हार होती है। मेरी कविता का शीर्षक यह है कि बेटा क्या हुआ? मैं सब भूल गया बाबूजी। भारत की संस्कृति की मान को बचाए दो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए दो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्व से आइंदा ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। अटल अब किसी भी मंच से ऐसे रोते हुए नहीं जाएगा, कसम है तुम्हारी, अब ऐसा नहीं होगा। अरे क्या हो गया तुम सबको? पहले भले इज्जत नहीं थी, कम से कम लोग बेइज्जती तो नहीं करते थे। कल करवा देना तुमने हमारी बेइज्जती। हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, ना खाएंगे ना खेलेंगे तुम्हारे साथ, अलग रहो हमसे। हाँ, कोई तुम्हारे साथ बैठेगा नहीं, खेलेगा नहीं, खाएगा भी नहीं और पिएगा भी नहीं। अटल मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। और बताओ और कौन कौन है अटल के पास, अटल के साथ? बैठो। हाँ तो अटल, इससे क्या सीख मिली तुम्हें? मैं बताता हूँ, इससे तुम्हें ये सीख मिली कि अंग्रेज बच्चों या अमीर बच्चों के जैसा खुद को समझोगे तो ऐसे ही दो लोगों की पार्टी बनकर रह जाओगे। नहीं गुरुजी, आज भले ही ये पूरी कक्षा मेरे साथ नहीं है, मगर आज नहीं तो कल ये पूरी कक्षा मेरे साथ होगी। आज हम दोनों साथ में, मगर कल पूरी कक्षा एक होगी, ये मेरा विश्वास है, अटल विश्वास। तो ठीक है, विश्वास हो या अटल विश्वास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, जहां पर बैठते थे। नहीं गुरुजी, मैं और पंकजी साथ में बैठेंगे, हो सकता है कि आपके डर से ये लोग आज मेरे साथ वापस से बैठने लगे, लेकिन ये गलत होगा, जब इनका मन करेगा तब मेरे साथ बैठेंगे। अरे शांत शांत, ठीक है, जिसे जहां पर बैठना है बैठो। चलो पंकज। चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ, अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण, बन के प्रकाश गर्वता दिखाना।
हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को आत्मविश्वास के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग एक एक करके यहाँ पर आओगे और तुम्हारे जीवन में आजकल क्या चल रहा है वो बताओगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि तुम लोगों के सामने बात करना सीख सकोगे और अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख सकोगे। तो प्रकाश, तुम सबसे पहले आओ, इधर घूम जाओ और बताओ अपने बारे में। मेरा नाम प्रकाश है। बाबूजी कहाँ गए? अटल, तुम भूल गए? हाँ अटल, तुम साइकिल से थोड़ी आए थे, साइकिल की चेन तो टूट गई थी ना। लो, और एक खर्चा बढ़ गया। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चला जाऊंगा। ये क्यों नहीं कहते चेन जुड़वाने के पैसे नहीं है, पैदल जाना मजबूरी है। अच्छा अटल, तुम एक काम करो, तुम बाबूजी के साथ आना, वो आते ही होंगे। हाँ अटल, तब तक हम दोनों आगे निकलते हैं। ठीक है। बाबूजी की साइकिल तो है ही नहीं, लगता है तुम भूल गए हो, तुम्हारे बाबूजी की साइकिल की चैन टूटी हुई है। अब पैदल जाना घर। हमारी साइकिल तो नहीं है। पता है बाबूजी, मगर जब हम रोज आते थे साइकिल से, तो किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे पास साइकिल है। मगर आज एक दिन बिना साइकिल के आए, तो सब कह रहे थे कि मेरे पास साइकिल नहीं है, यही बुरा लग रहा है। किसी के पास समृद्धि होगी तो कोई नहीं देखता, कोई कुछ बोलता नहीं उसके बारे में, लेकिन किसी के पास कोई अभाव होगा तो बस उसी के बारे में लोग बोलते रहते हैं, उसके अभाव उंगलियों पर गिनते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अभाव में भी भाव होता है, प्रभाव का भी भाव लगता है। समझे? समझ जाओगे। चलो। कुछ नहीं तो कम से कम मैं मजदूरी तो कर ही लूंगा। ऐसा नहीं कर सकते आप, ईश्वर है, उसने जीवन दिया है तो जीवन चलाएगा भी वही।
उसे थोड़े ही पता चलेगा कि मैं मजदूरी करने गया था। थोड़े बहुत पैसे कमा कर आ जाऊंगा। अटल बेटा, मैं जरा किसी से मिलकर आता हूँ, तुम्हें काम करो, दौड़ कर घर चले जाना। प्रेम सदा अभी भी गए, कहीं रास्ते में मिल जाएंगे, उनके साथ आगे जाना। ठीक है, जाओ, भाग कर जाओ।